दिस इज अ ट्रॉली मास सिस्टम, एक बेंच है, बेंच के ऊपर एक ट्रॉली रखी हुई है और ट्रॉली जो है इसके व्हील्स हैं, ट्रॉली के व्हील्स हैं, ट्रॉली का खुद का मास है 20 kg और यहाँ पर एक सॉर्ट ऑफ पुली लगी हुई है और यहाँ से एक स्ट्रिंग पुली के ऊपर आई है और पुली के ऊपर होके नीचे की तरफ आई है जहाँ पे एक मास लटका हुआ है। ठीक है, और द मास ऑफ दिस ब्लॉक 3 kg, 3 kg। यस, अब क्या होगा उसमें, जब इस मास को हम फ्री कर देंगे तो वेट की वजह से नीचे जा रहा होगा। ठीक है, ये मास वेट की वजह से नीचे जा रहा होगा, तो जो इसका वेट है वो इस स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा और वो जो स्ट्रिंग को नीचे खींचेगा वो वाला फोर्स ट्रांसफर होके इस, ठीक है, तो इसके वेट जैसे ट्रांसफर होके यहां तक आ रही होगी और इस टेंशन फोर्स की वजह से ये ट्रॉली आगे एक्सेलरेट हो जाएगी। अब ये ट्रॉली और ये मास, ये दोनों एक सिस्टम बना रहे हैं जो कि एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये दोनों इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जब ये वेट नीचे जाएगा ट्रॉली भी आगे सरक रही होगी तो इन दोनों के बीच में टेंशन होगी। अब इसमें हम दोनों को अलग अलग तरीके से देखते हैं, इस वेट को अलग तरीके से देखते हैं और इसको अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। जब हम इस वेट को देख रहे हैं 3 kg वाले वेट को, तो इसमें क्या क्या हो रहा होगा, एक तो वेट नीचे की तरफ एड कर रहे हैं तो 3 kg का जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं तो कितना फोर्स हो जाएगा, 30 N नीचे की तरफ लग रहा होगा, 80 टेंशन स्ट्रिंग की ऊपर की तरफ लग रही होगी, मान लो ए एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका इक्वल एंड अपोजिट जूडो फोर्स M into A ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। देर आर 3 forces विच आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन दिस ब्लॉक कॉजिंग द इक्विलिब्रियम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी री राइट दिस एज 30 N इज इक्वल टू टी प्लस 3A, तो मास इज 3 kg इसलिए आई रिटन इट 3A। ये चीज समझ में आई बेटा, इज दिस थिंग क्लियर? यस, ये जो समझाया मैंने ये चीज समझ में आई? यस, समझाया बेटा, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूँ। yes, इसकी बात करूंगा मैं इसको। ठीक है बेटा, अब इसको देखते हैं, ट्रॉली को देखते हैं। अब ट्रॉली पे फोर्स लग रहा है टी, ठीक है, और ए एक्सीलरेशन से वेट नीचे जा रहा था तो ट्रॉली भी ए एक्सीलरेशन से ही आगे जा रही है। ठीक है, और ट्रॉली ए एक्सीलरेशन से आगे जा रही होगी तो इस पे ट्रॉली पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक तो इस एक्सीलरेशन की वजह से एक जूडो फोर्स लग रहा होगा पीछे की तरफ, दैट इज कैपिटल एम इनटू ए, क्योंकि ये 20 kg है, इट्स कॉल्ड इट कैपिटल एम। और यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमें कितना दिया हुआ है, कुछ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पीछे की तरफ लग रहा होगा जो इसको रोक रहा होगा, से स्मॉल एफ। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एफ, टी इज इक्वल टू एम कैपिटल एम दैट इज 20 kg, 20A प्लस एफ, एफ इज द फ्रिक्शनल फोर्स,
अब फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू एन, और यहाँ पे एन किसके बराबर है, म्यू इनटू कैपिटल एन इनटू जी किसके बराबर है, तो ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, दिस इज 20 ए प्लस 20 म्यू जी, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, सो दिस इज 20 ए म्यू की वैल्यू भी दी हुई है हमें, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.04, वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 20 ए प्लस 200 इंटू 0.04, सो दिस इज 20 ए प्लस 8 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू टी। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये वाली और एक इक्वेशन ये वाली, इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, वी ऐड दीज टू इक्वेशंस एंड देन सी व्हाट डू वी गेट, 30 प्लस टी इज इक्वल टू टी प्लस 3a, टी प्लस 3a प्लस 20 ए प्लस 8, दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, ये टी वाली चीज दोनों तरफ आ रही है, ये कैंसिल हो जाएगा, इस 8 को इधर ले आओ, 30 माइनस 8 इज इक्वल टू 23 ए, सो 30 माइनस 8 इज 22, सो दिस इज 22 इज इक्वल टू 23 ए, और ए एक्सीलरेशन जो है हमारा कितना हो गया, ए कम्स आउट टू बी 22 अपॉन 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन है, द एक्सीलरेशन इन द सिस्टम इज इक्वल टू 22 अपॉन 23 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस हिसाब से आता है, ठीक है। अब इसमें टेंशन निकालना है अगर, तो टेंशन निकालने के लिए ये हमने पहली इक्वेशन यूज की है, एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें पुट कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, इसको सॉल्व करने से दिस कम्स आउट टू बी अराउंड 27 न्यूटन, तो जो 30 न्यूटन यहाँ पे फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन में से 27 न्यूटन स्ट्रिंग में जा रहा है जो इसको खींचने में यूज हो रहा है, और जो बैलेंस 33 न्यूटन है वो इसको एक्सेलरेट करने में यूज हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम इन चीजों को डील करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं।